160 की स्पीड 5 मिनट की। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, किंतु ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है, यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निवारण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं, और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनको कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था, भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है, और वह पड़ोसी आणविक शास्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं, और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, भारत ही नहीं सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की ड्योढ़ी पर खड़ी है। इन चीजों ने लोगों के जीवन को बदला तो है किंतु केवल ऊपरी तौर पर। आज हमारे पास ऊंची ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें हैं, खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम है, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च जीवन के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का प्रयत्न किया, एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखकर आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा, और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताजा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। इन
सबके तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाएं। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं। स्टॉप।